यूपी में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। इसके साथ साथ जनजीवन भी तेजी से सामान्य हो रहा है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भारी कमी आई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 13 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में 13 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में अब तक 16,86,612 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव केस की संख्या 194 है। इन सभी संक्रमितों का उपचार हो रहा है। विगत 24 घंटे में 1,68,214 सैंपल की टेस्टिंग हुई। वही अब तक 7,67,15,960 कोविड सैंपल की जांच की जा चुकी है। औसतन हर दिन 2.25 लाख से 2.5 लाख तक टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर 0.1% से आधी हो गई है। रिकवरी दर 98.7% है। 68 जिलों में नहीं मिला एक भी एक्टिव केस। सोमवार को हुई कोविड टेस्टिंग में 67 जिलों में संक्रमण का कोई भी नया केस नहीं मिला। मात्र 8 जनपदों में ही नए मरीज मिले। कहीं भी दोहरे अंकों में नए केस नहीं पाए गए। प्रदेश के 30 जिलों में कोविड का एक भी एक्टिव केस नहीं है। अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बलिया, बांदा, बहराइच, भदोही, बिजनौर, एटा, फरुखाबाद, गोंडा, हमीरपुर, हापुर, हाथरस, कानपुर देहात, कासगंज, महोबा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, सहारनपुर, शामली, शरावस्ती और सुल्तानपुर में कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। ये जनपद आज कोविड संक्रमण से मुक्त हैं। इतने लोगों को लग चुकी कोविड वैक्सीन। प्रदेश में कुल कोविड वैक्सीन 9,98,00,000 से अधिक हो चुका है। ये किसी एक राज्य में हुआ सर्वाधिक टीकाकरण है। 1,70,00,000 लोगों ने टीके की दोनों खुराक ले ली है, जबकि 7,87,00,000 लोगों को टीके की पहली डोज मिल चुकी है। कोरोना से जुड़ी हर खबर को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल।